और चलिए एक बार फिर से आपको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम बोल रहे हैं। हमारे शंकरपुरी जी महाराज, सतवा बाबा रविंद्रपुरी जी महाराज और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, सिखा उन्होंने पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी। भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को वापस, भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए, 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था, और कनाडा के विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया, और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देती है, हमारे अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं।